सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल विनायक मूवीज अपडेट। तो दोस्तों आज मैं आपको रिंग्स 3 की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसे डायरेक्ट किया है एफ जेवियर ने और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 4.5 आउट ऑफ 10। दोस्तों भले ही इस मूवी की रेटिंग कम हो लेकिन ये मूवी आपको जबरदस्त थ्रिल देती है। ये मूवी रिंग्स सीरीज की तीसरी मूवी है बट इसके कैरेक्टर्स 1 और 2 मूवी से अलग है। मैं आपको 1 और 2 मूवी का ब्रीफ बता देता हूँ ताकि जिसने 1 और 2 मूवी नहीं देखी है वो भी इसे समझ पाए। दोस्तों इन मूवीज में एक टेप होती है, जो भी उस टेप को देखता है वो 7 दिन में मर जाता है। अगर वो 7 दिन से पहले उस वीडियो की कॉपी बनाकर किसी को दिखा देता है तो वो बच जाता है। असल में ये वीडियो टेप समारा के बारे में है जो अपनी कहानी सब तक पहुंचाना चाहती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को। शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदा फ्लाइट में बैठा हुआ है जिसने वो वीडियो टेप देखी हुई है, लेकिन उसने उस टेप की कॉपी बनाकर किसी को दी नहीं होती है और उसके 7 दिन भी पूरे हो चुके होते हैं, तो समारा उसे मार देती है। फिर कहानी 2 साल की बात दिखाई जाती है। एक प्रोफेसर उस फ्लाइट वाले बंदे का सामान खरीदता है, उसमें उसे वो टेप भी मिलती है जिसे वो देख लेता है और तभी उसका फोन बजता है और आवाज आती है। फिर उसके अगले सीन में हम जूलिया और होल्ट को देखते हैं जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। होल्ट कॉलेज जा रहा होता है बट जूलिया काफी दुखी होती है। काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात में जूलिया को होल्ट के बारे में सपना आता है बट वो एकदम से घबरा कर उठ जाती है। तभी उसे होल्ट की स्काइप पर कॉल आती है बट कॉल एक लड़की उठाती है और कहती है होल्ट बच नहीं सकता। ये सब सुनकर जूलिया काफी घबरा जाती है और होल्ट को कॉल करती है बट होल्ट फोन नहीं उठाता। जूलिया तभी होल्ट के कॉलेज की तरफ निकलती है। वहाँ वो होल्ट को ढूंढते हुए एक क्लास में पहुँचती है। वहाँ वही प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं जिसने वो वीडियो टेप देखी थी। जूलिया उस प्रोफेसर से होल्ट के बारे में पूछती है बट प्रोफेसर उसे कोई सीधा जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जूलिया प्रोफेसर का पीछा करते हुए एक फ्लोर पर पहुँचती है जहाँ वो उसी लड़की को देखती है जिसने उसे स्काइप चैट पर देखा था। असल में उस लड़की ने वो वीडियो टेप देखी हुई होती है और उसके 7 दिन भी पूरे होने वाले होते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जूलिया उस लड़की का पीछा करती है और उससे होल्ट के बारे में पूछती है और वो लड़की कहती है कि उसे एक वीडियो देखनी होगी, फिर वो सब समझ जाएगी। दोस्तों हम देखते हैं उस लड़की को जूलिया के रूप में एक बकरा मिल गया है। जब वो लड़की उस वीडियो टेप की कॉपी कर रही होती है तभी उसके फोन पर होल्ट का मैसेज आता है बट उसे जूलिया पढ़ लेती है। वो होल्ट को लिखती है वो जूलिया है। होल्ट उसे कोई भी वीडियो देखने के लिए मना करता है। इसके बाद जूलिया और उस लड़की के बीच में हाथापाई होती है और तभी वहाँ पर समारा भी आ जाती है और उस लड़की को मार देती है। जूलिया ने डायरेक्टली तो कुछ नहीं देखा होता पर लेकिन वो बहुत डर जाती है और उसके बाद वहाँ पर होल्ट आ जाता है और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। होल्ट जूलिया को उस टेप के बारे में बताता है जिसे सुनकर जूलिया काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती है होल्ट ने भी वो वीडियो देखी है और उसने अब तक वीडियो की कॉपी कर किसी को भी दिखाई नहीं होती है। जूलिया ये सब सोचते हुए होल्ट की कॉपी को देख लेती है क्योंकि वो होल्ट को बचाना चाहती है। जब जूलिया वीडियो को देख लेती है तभी उसका फ़ोन बजता है और जब वो फोन उठाती है तो उसे आवाज आती है 7 दिन। उसी वक्त जूलिया को कुछ विजन्स भी आते हैं कि वो एक रूम की तरफ बढ़ रही है और वो जैसे ही रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है उसका हाथ जल जाता है। उसके हाथ में एक अजीब सा निशान आ जाता है। अब होल्ट को भी पता चल जाता है कि जूलिया ने वो वीडियो देख ली है। उसके बाद होल्ट और जूलिया प्रोफेसर के पास जाते हैं। रास्ते में जूलिया एक मरे हुए पंछी को भी देखती है। होल्ट प्रोफेसर को बताता है कि जूलिया को पहले ही दिन वो निशान आ गया है जबकि उसे वो निशान 5वें दिन आया था। प्रोफेसर जूलिया के हाथ का स्कैन ले लेते हैं और प्रोफेसर उन दोनों को बताते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट पर बहुत समय से काम कर रहे हैं। वो समारा से रिलेटेड बहुत कुछ सर्च कर चुके हैं और इस बात की और भी पॉइंट करते हैं कि कैसे एक आत्मा एक शरीर की तलाश में रहती है। प्रोफेसर जूलिया को टेप की कॉपी बनाकर किसी और को दिखाने के लिए कहता है बट जूलिया यहाँ पर मना कर देती है क्योंकि वो किसी और को
खतरे में नहीं डालना चाहती, बट होल के इंसिस्ट करने पर जूलिया मान जाती है। उसके बाद जब जूलिया टेप की कॉपी करने की कोशिश करती है, वो कॉपी नहीं हो पाती। हमें पता चलता है अब की टेप पहले की टेप से कुछ अलग है और उनका साइज भी कुछ अलग होता है। जानने के लिए जूलिया उस टेप को अकेले देखती है और बताती है उसमें क्या एडिशनल है। उन एडिशनल सीन्स में वो देखती है एक चर्च, एक पिंजरा, एक जलती हुई लाश, झिंगुरों से बना हुआ एक क्रॉस, एक लड़की, और देखती है चर्च के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। जैसा डिस्क्रिप्शन जूलिया चर्च का बताती है, उसे सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि उसी चर्च में समारा को दफनाया गया था। असल में ये सब सुनने के बाद जूलिया समारा की मदद करना चाहती थी। जूलिया ये जानना चाहती थी कि समारा ये सब क्यों कर रही है। प्रोफेसर उन्हें चर्च का एड्रेस बताता है। प्रोफेसर, जूलिया और होल्ट चर्च की तरफ निकल रहे होते हैं कि तभी प्रोफेसर को पता चलता है कि पुलिस उससे पूछताछ करने वाली है, क्योंकि पुलिस को वो लाश मिलती है जिसे समायरा ने मारा है। बट उन्हें शक प्रोफेसर पर जाता है। प्रोफेसर अपनी सारी रिसर्च जूलिया को दे देते हैं और होल्ट और जूलिया वहां से चले जाते हैं। रास्ते में जूलिया समायरा के बारे में पढ़ती है कि समायरा किसी को कहीं पर पड़ी हुई मिली थी। कोई नहीं जानता था कि उसके माँ बाप कौन है और वो कहाँ से आई है। उसके बाद उसे किसी ने गोद ले लिया था। बाद में उस फैमिली को पता चलता है कि वो लड़की बहुत अजीब सी है, कुछ इविल टाइप की। उस फैमिली ने समायरा को मारने की कोशिश की और उसे कुएं में फेंक दिया, बट समायरा वहाँ 7 दिन तक जिंदा रही। उसकी लाश बहुत समय बाद मिली और उसे चर्च में दफना दिया गया। दोस्तों, ये स्टोरी हमने रिंग 1 और 2 मूवी में भी देखी है। रास्ते में जूलिया को एक प्रेग्नेंट वुमेन भी दिखती है। उसके बाद हॉल्ट और जूलिया एक रेस्ट हाउस में रुकने के लिए जाते हैं। जूलिया उस रेस्ट हाउस में एक फ़ोटो देखती है और रेस्ट हाउस ओनर से उस फोटो के बारे में पूछती है। ओनर बताती है बीच वाली लड़की उसकी भतीजी है, बट जूलिया उसे वॉयलिन वाली लड़की के बारे में पूछती है। ओनर बताती है कि वो एवलिन है। जूलिया बताती है उसने उसे देखा है रास्ते में, बट ओनर बताती है एवलिन 30 साल पहले ही गायब हो चुकी है, ये इम्पॉसिबल है। ओनर भी इस बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करती और चली जाती है। फिर हॉल्ट और जूलिया चर्च की तरफ जाते हैं। वहाँ पर जूलिया को काफ़ी अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। फिर हॉल्ट किसी आदमी से चर्च के बारे में पूछता है। वो बताता है कि ये 30 साल पहले उस जगह पर बाढ़ आई थी और अब उस जगह जिंदा लोगों से ज़्यादा मुर्दा है। इसी बीच जूलिया चर्च के ऊपर पंछी उड़ते देखती है जो बिल्कुल वीडियो टेप की तरह लग रहे हैं। वो आदमी उस जगह पर उन्हें ना रुकने के लिए भी कहता है, बट जूलिया को ये एहसास होता है कि समायरा की लाश को कब्रिस्तान में ही लाया गया था और वो उसकी कब्र ढूंढने जाती है। इसी बीच प्रोफेसर भी जूलिया के हाथ में जो स्कार है उसका मतलब पता लगा लेते हैं और जूलिया और होल्ड से मिलने के लिए चल देते हैं। इसी बीच जूलिया को समायरा की कब्र मिल जाती है, बट कब्र के अंदर कुछ नहीं होता। जूलिया को कब्र की दीवार पर कुछ लिखा मिलता है, वो तुम्हें ढूंढ लेगी जूलिया, और कब्र बाहर से बंद हो जाती है। वहाँ पर उसके फोन पर वही टेप चल जाती है। जूलिया को कुछ अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं और उसके तुरंत बाद होल्ट उसे बाहर खींच लेता है। इसके बाद एक आदमी जूलिया और होल्ट को गैलनबर्ग नाम के आदमी के पास लेकर जाता है। वो इस जगह का केयरटेकर होता है। ये आदमी अंधा होता है। वो बताता है कि उसके एक पादरी ने समारा को चर्च में दफनाया था। गैलन बताता है कि उसने भी जूलिया की तरह समायरा की मदद करने की कोशिश की। उसने भी उस कब्र में कुछ दृश्य देखे और वो अंधा हो गया। वो बताता है कि जब वहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी तो समायरा की बॉडी को वहाँ से निकालकर किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया। गैलन जूलिया को वार्न करता है कि वो इस मामले में ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि वो समायरा की मदद करके कुछ हासिल नहीं कर पाएगी, बट जूलिया सच में समायरा की मदद करना चाहती है। गैलन जूलिया के हाथ के स्कार को देखकर उसे अलर्ट रहने के लिए भी बोलता है। जूलिया समायरा की लाश ढूंढना चाहती है, बट रास्ते में उसे एवलिन फिर से दिखाई देती है और देखती है रास्ते में प्रोफेसर का एक्सीडेंट हो चुका है। प्रोफेसर जूलिया को कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाते और जूलिया के स्कार की तरफ पॉइंट करते हैं
और वहीं पर ही मर जाते हैं। जूलिया को भी लगता है एवलिन और समायरा के बीच कोई कनेक्शन तो है। उसके बाद जूलिया और होल्ट प्रोफेसर का सामान लेकर रेस्ट हाउस की तरफ चले जाते हैं। होल्ट देखता है कि रेस्ट हाउस की ओनर डिनर पर गई होती है। होल्ट ओनर से मिलने चला जाता है। वहां जाकर वो उससे एवलिन के बारे में पूछता है। इसी बीच जूलिया रेस्ट हाउस में आराम कर रही होती है तो उसे कुछ चर्च के विजन्स आते हैं, तो उसे लगता है कि मुझे चर्च जाना चाहिए और वो फिर चर्च चली जाती है। उसे लगता है चर्च में कुछ तो है, समायरा से रिलेटेड है। वहाँ वो एक घंटे के नीचे की जमीन को देखती है और उसे खोदने की कोशिश करती है। वहाँ उसे जमीन खोदने पर एक कमरा मिलता है। और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है, ऑनर भी होल्ट को बताती है कि उसकी भतीजी और एवलिन चर्च के म्यूजिक प्रोग्राम से एक दूसरे को जानते थे। एवलिन काफ़ी टैलेंटेड थी बट वो एकदम से गायब हो गई। काफ़ी ढूंढा गया बट वो नहीं मिली। दूसरी तरफ जूलिया उस रूम में पहुंचती है। वहां जाकर उसे ऐसा लगता है कि ऐसे वहां कोई रहता था। जूलिया उस रूम में वही दरवाजा देखती है जो उसने अपने विजन्स में भी देखा था। जूलिया रूम के अंदर जाती है और देखती है वहां पर जंजीरें पड़ी हैं, एक बेड है, एक फ्रिज है। ये सब चीजें देखकर जूलिया समझ जाती है यहाँ पर कोई रहता था। फिर वो दूसरी तरफ देखती है, वहां पर किसी ने 8.5 महीने मार्क किए हुए हैं। एक दीवार पर नाम लिखा होता है समायरा। यहाँ पर समायरा जूलिया को इस तरह से समझाती है कि जूलिया समझ जाती है कि एवलिन उस रूम में ही कैद थी और वो प्रेग्नेंट थी और वही समायरा की माँ है। होल्ड भी ऑनर से उस पादरी के बारे में पूछता है जिसने समायरा को दफनाया था। ऑनर बताती है कि वो बाद में अंधा हो गया था। ये बात सुनते ही होल्ड तभी वहां से भागता है और रेस्ट हाउस में जाता है और उसी तस्वीर को देखता है जिसमें 3 लड़कियां थी जिसे जूलिया पहले बड़े ध्यान से देख रही थी। उस तस्वीर में वो देखता है एवलिन के पीछे गैलन भी मौजूद है। मेरे ख्याल से यहाँ पर होल्ट समझ जाता है गैलन ही वो पादरी है जिसने समायरा को दफनाया था और वो जल्दी से जूलिया को ढूंढने के लिए निकलता है। इसी दौरान जूलिया गैलन के घर जाती है और जूलिया कहती है वो समझ गई है कि उसे समायरा क्या बताना चाहती है। वो गैलन से उस पादरी के बारे में पूछती है जिसने समायरा को दफनाया था। ये सब सुनने के बाद गैलन का बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। यहाँ गैलन रिवील कर देता है कि वो ही पादरी होता है जिसने एवलिन को कैद किया होता है और वो बताता है कि उसने अपने आप को अंधा कर लिया ताकि वो समायरा से बचा रह सके। उसके बाद जूलिया और गैलन के बीच हाथापाई होती है। जूलिया गैलन को कहती है कि आपने गलत किया, वो आपकी बेटी थी, मुझे उसे आज़ाद करना है। इस पर गैलन ये जवाब देता है कि तुम उसे बचाकर कुछ साबित नहीं कर पाओगी, ऐसा करके तुम दुनिया को खतरे में डाल दोगी। क्योंकि गैलन जूलिया को मारने की कोशिश कर रहा होता है, इसी चक्कर में जूलिया गैलन को धक्का दे देती है और गैलन वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर जूलिया को एक एहसास होता है कि समायरा उससे कुछ कहना चाहती है। वो एक कमरे में जाती है और कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं उसकी नाक से खून निकलने लगा है। इट सिग्निफाइज उसके 7 दिन पूरे होने वाले हैं। इतने में हॉल भी वहां पहुंच जाता है बट गैलिन उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जूलिया समायरा के इंटेंशंस को फॉलो करती हुई एक दीवार को खोदना शुरू करती है और उसे वहां पर समायरा की लाश मिल जाती है। बट इतने में पीछे से वहां पर गैलन आ जाता है और उसे मारने वाला ही होता है कि तभी वहां पर समायरा आ जाती है और तभी गैलन को दिखने भी लगता है और जैसे ही वो समायरा को देखता है वो वहीं पर ही मर जाता है। इसके बाद होल्ट और जूलिया समायरा की बॉडी को जला देते हैं और उसे आज़ाद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और समायरा खुश है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि होल्ट अपने फ़ोन में प्रोफेसर के मैसेज चेक करता है। प्रोफेसर अपने मैसेज में बताते हैं जो जूलिया के हाथ का निशान होता है वो ब्रेल भाषा में होते हैं। उसके बाद होल्ट इंटरनेट पे चेक करता है कि उसका क्या मतलब है। इसी बीच जब जूलिया नहा रही होती है तो वो देखती है उसके हाथ से निशान तो गायब है बट उसके हाथ की स्किन कुछ डेड हो चुकी है। और जब वो उस डेड खाल को उतारती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका हाथ जैसा समायरा का हाथ हो। और तभी वो चौंक करती है और उसके गले से लंबे बालों का गुच्छा निकल कर आता है।
होल्ट को उस निशान का मतलब पता चल जाता है, इसका मतलब है रीबर्थ। इसके बाद जब जूलिया अपने आप को शीशे में देखती है और शीशे को साफ करती है तो उसका चेहरा तुरंत समायरा के चेहरे में बदल जाता है। और इधर दूसरी तरफ होल्ट के लैपटॉप से वो वीडियो हजारों लोगों को सेंड हो जाती है और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। जिन लोगों को ये लास्ट का सीन समझ नहीं आया, मैं उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने देखा जूलिया समारा में बदल गई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि प्रोफेसर ने उन्हें पहले भी बताया था, एक आत्मा हमेशा एक शरीर की तलाश में रहती है। और जब होल्ड के लैपटॉप से वो मैसेज हजारों लोगों को चले गए, इट सिग्निफाइज गैलन की बात सच हो गई। उसने जूलिया को पहले ही वार्न किया था, तुम समायरा की मदद करके कुछ हासिल नहीं करोगी, तुम दुनिया को खतरे में डाल दोगी। यही होता भी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हो सके तो मुझे एक पॉजिटिव फीडबैक देने की कोशिश कीजिएगा ताकि मैं अपना कोर्स सुधार नहीं वापस मूवी में देखूं।